सोट, एस डब्ल्यू ओ टी। इसमें देखिए क्या है, दो अंदर है दो बाहर है। आप जो चार वार्ड है आप उसको एनालाइज करो तो दो अंदर मिलेंगे दो बाहर मिलेंगे। और ये बेसिकली बेस करता है जो आप जब फील्ड को जाओगे ट्रेनिंग देने के लिए, जो बिजनेस आइडिया जनरेट करने के लिए, ये आपको ज्यादा काम है, ये मेन फोकस एरिया होगा। जो दो अंदर है आदमी के अंदर है वो है उसका स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। उसका स्ट्रेंथ क्या है, एक हो गया, उसका वीकनेस क्या, जहां स्ट्रेंथ है उसको कैसे यूटिलाइज करें और जहां वीकनेस है उसको इंप्रूवमेंट करना है। ऐसे नहीं उस वीकनेस को छोड़ देना है, जो स्ट्रेंथ है उसी हिसाब से हम काम चुनना है, उसी हिसाब से हमें काम करना है स्ट्रेंथ के हिसाब से। जो वीकनेस है रिलेटिंग दैट वर्क, वो काम के लिए जो हमारा वीकनेस है, जो बिजनेस हम कर रहे हैं उसके लिए जो क्या वीकनेस है उसको इंप्रूवमेंट भी करना है ना। बाकी जो दो रहेगा, एक अपॉर्चुनिटी जो आपके एनवायरमेंट में है और जो थ्रेट है वो भी आपके एनवायरमेंट में है। जो अपॉर्चुनिटी उसको हम काम, उसको काम में लगाना है बिजनेस के लिए वो फायदेमंद, और जो थ्रेट है उसके लिए हम सतर्क रहना है, प्लान करना है इसको कैसे हाल करें। ये जो चार चीज है एक बार आप एनालिसिस हो जाएगा तो उसमें क्या होगा, आपको जो भी क्षेत्र में आप काम करोगे, चाहे बिजनेस हो, फैमिली हो, सोशल इंपैक्ट हो, जो भी हो, ये आपको फायदा देंगे। देखिए कि स्ट्रेंथ का, मान लीजिए किसी का सिंगिंग का स्ट्रेंथ हो सकता है, सिंगिंग, डांसिंग, म्यूजिक, उन्होंने एक अच्छा कविता बोला उसका वो स्ट्रेंथ है, बैठे बैठे वो कविता लिख दिया सुंदर, तो आपका स्ट्रेंथ क्या है ये आपको जानना। मैंने जो पहले बोला था थ्री इडियट्स का वो एग्जांपल दिया था, एक उसका स्ट्रेंथ है फोटोग्राफी, लेकिन वो क्या कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है इंजीनियरिंग का, जैसे बोल रहे वो घर का ना घाट का ऐसे हालत हो गया था उसका। मेरा स्ट्रेंथ एक तरफ है, मेरा प्रोफेशन जो है दूसरी तरफ है, तो बीच का क्या होगा, घर का ना घाट का, फिर स्ट्रेस आ जाएगा, फिर क्या होगा, फिर वो स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए फिर ट्रेनिंग दिया जाएगा, उसको कैसे मैनेजमेंट करोगे, ये होगा ना, तो हम जैसे लोगों की फायदा होगा, फिर हम स्ट्रेस मैनेजमेंट पढ़ाएंगे। तो मेरा ये कहना है कि काम ऐसे करेंगे जहां मेरा स्ट्रेंथ है उस हिसाब से का मैं काम चुनूंगा, ठीक है ना। दूसरा है वीकनेस, तो जो वीकनेस मेरा है, मान लीजिए कोई पब्लिक स्पीकिंग एक वीकनेस है, जैसा मेरा भी था, एक दिन ऐसा था जरा मेरा पब्लिक स्पीकिंग बहुत वीकनेस था, बहुत वीक, तो मैंने क्या किया, मैंने खुद को रिपेयर किया, उसमें इंप्रूवमेंट किया। तो मान लीजिए आप वो बिजनेस करें, वो नेगोशिएशन, अगर उसका नेगोशिएशन कैपेसिटी नहीं है, उसमें वीकनेस है, उसको शर्म लगता है नेगोशिएशन करने के लिए, वो क्या बिजनेस करेगा, डील कैसे करेगा वो कस्टमर के साथ, मान लीजिए वो ट्रेडर के साथ जो होलसेलर है उसके साथ कैसे डील करेगा, उसको इंप्रूव करना है बिजनेस के लिए, उसको जो भी वीकनेस है उसको इंप्रूवमेंट करना है, अगर नहीं इंप्रूवमेंट करेगा तो क्या होगा, ठीक, तो लॉस होगा। और तीसरा चीज है अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी क्या है, जो एनवायरमेंट में आपकी सर्कमस्टांस में कम्युनिटी में वो अपॉर्चुनिटी क्या हो सकता है, मान लीजिए कहीं पे अच्छा रिसोर्स मिलता है, मान लीजिए जहां गेहूं ज्यादा होता है तो मैं जो बिजनेस करूंगा रिलेटेड टू दैट, जो मिलता है इधर गेहूं के लिए रॉ मटेरियल जहां अच्छा मिलता है। मान लीजिए कोई ट्राइबल एरिया है बा जहां कहीं ऐसे है सस्ते में मैन पावर अवेलेबल है, लोग मिल जाते हैं, अगर मैं फैक्ट्री वहां बिठाऊंगा तो क्या होगा, मुझे जो लेबर है वो चीप सस्ते में मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा।
तो उसको मुझे यूटिलाइज करना है, जो अपॉर्चुनिटी है मार्केट में हो, एनवायरमेंट में हो, कम्युनिटी में हो, जो भी अपॉर्चुनिटी, तो उसको मुझे यूटिलाइज करना है, मुझे वो उसको बिजनेस में लगाना है। किसे मान पार हो गया, एक अपॉर्चुनिटी हो गया, हो सकता है और क्या अपॉर्चुनिटी हो सकता है, जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो गया, जहां खानी खाता रहे, मैं जो बिजनेस करूंगा अगर इस रिलेटेड बिजनेस करूंगा, जहां वेस्टेज ज्यादा पड़ता है, वेस्टेज मान लीजिए शहर के इस किनारे में मेरा बिजनेस है, जहां वेस्टेज ज्यादा है, कचरा पड़ता है, तो अगर मैं बिजनेस रिलेटेड करूंगा जो वेस्टेज मैनेजमेंट के लिए, तो मुझे वेस्टेज चिप में मिल जाएगा, सस्ते में मिल जाएगा, और उसको मैं रिवाइव करके मॉडिफाई करके बेचूंगा तो ज्यादा प्रॉफिट होगा, होगा कि नहीं होगा। तो जो अपॉर्चुनिटी है उसको मुझे कैसे ना कैसे यूटिलाइज करना है। और चौथा चीज क्या है, थ्रेट, जो आपदा है, मान लीजिए कभी भी कोविड रिटर्न कर सकता है, बाढ़ आ सकता है, हो सकता है ना, साइक्लोन हो सकता है, बिजनेस में लॉस भी हो सकता है, हो सकता नहीं हो सकता, तो उसको मैंने फेस कैसे करूंगा, उसके लिए मुझे एक तो सतर्क रहना है, दूसरा उसको हाल करने के लिए मुझे प्लानिंग भी चाहिए। मान लीजिए मुझे एक होलसेलर है, मैं जिसको प्रोडक्ट दिया था, उसने कमिट किया था कि मैं 11 तारीख को आपको पेमेंट कर दूं, तो इसी हिसाब से 11 तारीख के हिसाब से मैंने क्या किया, मैंने दूसरों को कमिट कर दिया मैं आपको 12 तारीख से पेमेंट दे दूंगा, वो मान लीजिए 11 तारीख को पेमेंट नहीं, फिर आप क्या करोगे, क्या बैकअप है आपका, उसको लेकर प्लान क्या है, सेविंग हो सकता है क्या प्लान, आपके पास कुछ बैकअप फंड्स रहना चाहिए, वो नहीं दिया, वो तो देगा, आज डेट फेल हो गया, लेकिन आपका जो कमिटमेंट है वो कमिटमेंट भी ठीक रहना चाहिए, इसलिए आपको बैकअप होना चाहिए, तो इसके लिए आपको प्लानिंग करना, ठीक है। ये जो चार चीज है उसको आपको एनालिसिस करना है, उसी हिसाब से आपको ग्रुप को तैयार करना है।